जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूँ सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की ये बात है कि इस साल भी जो आपका जो कोर्स है वो कम कर दिया है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास 12 मैथ्स के 2022-2023 सेशन के लिए कम किए गए कोर्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोर्स है वो हमारा एनसीईआरटी हो गया, जिसकी वजह से हमको मैथ्स में दो बुक पढ़नी पड़ रही है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट वन के रिड्यूस किए गए सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आ जाइए आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पे, जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि 1.2, ये भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं हमारी एक और एक्सरसाइज पे, जो कि है 1.3, जो कि आपको इस साल नहीं पढ़नी है, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको नहीं पढ़ने हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की, ये भी आपको नहीं पढ़नी है और इसके एग्जांपल्स भी नहीं पढ़ने हैं। अब आती है हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज। जी हाँ मेरे प्यारो, मिसलिनियस से ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट में बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। तो अभी आप मान के चलिए कि मिसलिनियस से हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जिसमें से पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आप आ जाइए एक्सरसाइज 2.1 पे, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है एग्जांपल्स के साथ। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, इसमें जो आपका कटा है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कटा है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, कुछ सवाल है जो कि हटा दिए गए हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 जो कि आपको नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं मेन एक्सरसाइज पे, तो क्वेश्चन 1-4 आपको नहीं पढ़ना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 15 की, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर बात करते हैं मिसलिनियस के। जी हाँ मेरे प्यारो, इसकी मिसलिनियस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़नी है। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं पढ़ना है। जी हाँ मेरे प्यारो, फिर एग्जाम्पल नंबर 11 पे आते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, और एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं हमारी मिसलिनियस की मेन एक्सरसाइज पे, तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक जो दिए गए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर बात करते हैं पिछले नेक्स्ट पेज की, जिसमें आपको 12, 13, 14, 16 और 17 ये वाले सवाल आपको नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्यारो, ये था चैप्टर नंबर सेकंड का कोर्स रिडक्शन। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि हमारा मैट्रिसेस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी 3.2। जी हाँ मेरे प्यारो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी आप कोर्स रिड्यूस कर लीजिए। जी है मेरे प्यारो, आते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3 पे, यहाँ से तो सवाल आता ही आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़नी ही है। जब भी कोर्स ये कम किया जाता है मेरे प्यारो, एक्सरसाइज 3.4 हटा दी जाती है, और इस साल भी आपकी हटा दी गई है। ये था हमारा थर्ड चैप्टर का कोर्स रिडक्शन, जो कि था 3.4 एक्सरसाइज। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि हमारा डिटरमिनेंट्स। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा कम कर दिया गया है। जी मेरे प्यारो, 4.1 आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है 4.2, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये आपको इस साल हटा देनी है। जी मेरे प्यारो, 4.2 आपको नहीं पढ़नी है। फिर बात करते हैं 4.3 की, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते हैं, अच्छा सवाल आता है, आता ही आता है, तो ये आपको नहीं, ये आपको पढ़ना है, सॉरी ये आपको करना ही करना है। फिर आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं एक्सरसाइज 4.5 पे, ये भी आपको पढ़नी है। फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 4.6, ये भी आपको पढ़नी है। मिसलिनियस पे इस पे ज़्यादा सवाल नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ने। फिर मैं बता दूंगा कौन कौन से मिसलिनियस आपको करने हैं, घबराने की कोई बात नहीं है आपको। चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। जी हाँ मेरे प्यारो, चैप्टर नंबर 5 के कोर्स रिडक्शन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपके एग्जांपल है 19-20, ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है। और लास्ट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 31 से 34 तक, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बोला कंपोजिटिव ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ना है। तो यही थे हमारे कंपोजिटिव ऑफ फंक्शन, जो कि नहीं करनी है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि 5.2, ये आपको पढ़नी है। फिर आते हैं एक और एक्सरसाइज पे 5.3, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। फिर आते हैं एक और एक्सरसाइज पे, जो कि 5.4, ये भी आपको पढ़नी है। जी हाँ मेरे प्यारो, एक्सरसाइज 5.5 भी आपको पढ़नी है, एक्सरसाइज 5.6 भी आपको पढ़नी है, एक्सरसाइज 5.7 भी आपको पढ़नी है, एंड एक्सरसाइज 5.8 आपको नहीं पढ़नी है। जी हाँ मेरे प्यारो, 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम हटा दी जाती है, इस साल भी हटा दी गई है, तो आपको नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जी हाँ मेरे प्यारो, 6.1 आपको पढ़नी है यहाँ से। फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी 6.2, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि एक्सरसाइज 6.3, ये आपको हटा देनी है। फिर आते हैं एक और एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.4, ये भी आपको हटा देनी है। फिर आते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है 6.5, मिनिमम
मिनिमम एंड मैक्सिमम जो आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको पढ़नी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारो, ये था फर्स्ट बुक का कोर्स रिडक्शन। जी हाँ मेरे प्यारो, अब आप सेकंड पार्ट को ओपन कर लीजिए, जिसमें हमारा पहला जो चैप्टर दिया है वो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इसको देखते हैं क्या क्या उठा दिया गया है। तो आप आ जाइए एक्सरसाइज 7.1 पे। जी हाँ मेरे प्यारो, 299 पेज पे दी हुई है, ये आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज पे 7.2, ये भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। एक्सरसाइज 7.3 भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर आते हैं अगली एक्सरसाइज पे जो कि 7.4, ये भी आपको पढ़नी पड़नी है। फिर आते हैं एक और एक्सरसाइज पे 7.5 पे। जी हाँ मेरे प्यारो, ये भी आपको पढ़नी है। फिर एक और एक्सरसाइज पे आते हैं 7.6, ये भी आपको पढ़नी है। फिर आते हैं 7.7 पे, ये भी आपको पढ़नी है। फिर आते हैं 7.8 पे। जी हाँ मेरे प्यारो, इसको उठा लीजिए आप। फिर आते हैं 7.9 पे, जो आपको पढ़नी है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, लेकिन दो चैप्टर मिक्स कर दिए गए हैं। सिंपल है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बाद में दे ही दूंगा, बोल तो चुका हूँ। तो 7.10 आपको पढ़नी पड़नी है, और 7.11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़नी है। तो इसमें से जो कोर्स रिड्यूस हुआ है वो सप्लीमेंट्री वाला पोर्शन और 7.8। जी मेरे प्यारे, सप्लीमेंट्री जो एक्सरसाइज है वो पीछे दी गई है, जो कि आपको नहीं करनी है, एमपी बोर्ड में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 की, जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जी मेरे प्यारो, आप आ जाइए एक्सरसाइज 8.1 पे, जो कि आपके पेज नंबर 365 पे, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की, जो कि हमारी हटा दी जाती है जब भी कोर्स रिड्यूस होता है, तो 8.2 आपको नहीं पढ़नी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। जी हाँ मेरे प्यारो, देखते हैं इसमें क्या क्या कटा है। तो एक्सरसाइज 9.1 आपको पूरी की पूरी करनी है, एक्सरसाइज 9.2 भी आपको पूरी की पूरी करनी है, और एक्सरसाइज 9.3 आपको हटा देनी है। जी हाँ मेरे प्यारो, 9.3 आपको नहीं पढ़नी है। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 9.4 की। जी हाँ मेरे प्यारो, 9.4 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर चलते हैं 9.5 पे, जो भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। जी हाँ मेरे प्यारो, 9.5 आपको पढ़नी है। और फिर चलते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि 9.6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 10 वेक्टर एलजेब्रा। जी हाँ मेरे प्यारो, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें लास्ट में एक्सरसाइज दी है सप्लीमेंट्री, जो कि हटा दी गई है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो हम पढ़ते भी नहीं है, तो आप चैप्टर नंबर 10 पूरा का पूरा पढ़ेंगे। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर, जो कि हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। जी हमें प्यारो, देखते हैं इसमें क्या क्या कट दिया गया है। तो 11.1 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 11.2 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और 11.3 जो कि प्लेन पे बेस है, इस साल आपका रिड्यूस कर दिया गया है। जी मेरे प्यारो, 11.3 आपको नहीं पढ़नी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। जी हाँ मेरे प्यारो, अब देखते हैं इसमें क्या क्या उठा दिया गया है। तो 12.1 आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, और जब भी कोर्स रिड्यूस किया जाता है तो 12.2 हटा दी जाती है, जो कि इस साल भी आपको नहीं पढ़नी है। हम चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, देखते हैं इसमें क्या क्या कटा हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारो, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 की, जो कि आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 की, जो कि वेज थ्योरम पर बेस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। जी हाँ मेरे प्यारो, फिर आते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.4 पे। जी हाँ मेरे प्यारो, इसमें आपके जो दो टॉपिक दिए गए हैं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये आपको पढ़ना है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 13.6.3 565 पेज पे, ये आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ मेरे प्यारो, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, और आपका जो स्टैंडर्ड एविएशन से, ये भी आपसे नहीं आएगा, सिर्फ मीन पूछा जाएगा, बाकी एक्सरसाइज तो आपको पूरी की पूरी करनी है। जी हाँ मेरे प्यारो, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 13.5, जो कि आपको नहीं पढ़नी है। ये था हमारा मैथ्स का क्लास 12th का 2022-2023 के लिए कोर्स रिडक्शन। जी हाँ मेरे प्यारो, आपने मार्क कर लिया होगा, अगर आपने मार्क कर लिया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी बता दीजिए कि आपका जो कोर्स है वो कम कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।